चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि लखनऊ से मिल रही है। आईटी दफ्तर में फर्जीवाड़े की शिकायत का मामला सामने आया। लखनऊ पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। एक महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी महिला से कई नियुक्ति पत्र फर्जी मुहर भी मिले हैं। विभाग की मिली भगत समेत कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। महिला ने फर्जी नियुक्ति पत्र देने की बात कबूल कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां आईटी दफ्तर में फर्जीवाड़े की शिकायत का मामला सामने आया है। लखनऊ पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। एक महिला समेत 8 लोग पुलिस हिरासत में। चलिए एक बार फिर रुक करते हमारे संवाददाता प्रेम शंकर का। प्रेम शंकर, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दीजिए, क्योंकि लगातार महिला से पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल अमृता, देखिए लखनऊ का सबसे बड़ा मामला सामने आया है, जहां इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, और वो भी सबसे ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए जो विभाग है आयकर विभाग, उसी की कैंटीन में ये जालसाज लोग फर्जी तरीके से इंटरव्यू कर रहे थे। और ये सूचना मिलने पर हजरतगंज पुलिस ने वहां छापा मारा और प्रियंका मिश्रा नाम की महिला को गिरफ्तार किया। इसी की निशानदेही पर इसी की पूछताछ में 8 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। और लेकिन फिलहाल ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला है लखनऊ के लिए, और इसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, और उसमें फर्जी तरीके से प्रदेश के अन्य अन्य जगहों से वहां युवकों को बुलाया गया था और वहां वो पहुंचे थे, और महिला पूरे इस फर्जी तरीके से इनकम टैक्स विभाग में नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही। प्रेम शंकर बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें आईटी दफ्तर में फर्जीवाड़े की शिकायत का मामला सामने आया है। आपने देखा होगा किस तरह से 2013 में रिलीज हुई फिल्म अक्षय कुमार की स्पेशल 26 में जिस तरह से अधिकारियों को बेवकूफ बनाया जाता था, एक टीम तैयार की जाती थी, उसी के तहत इस पूरी वारदात को भी अंजाम दिया कि ये मामला आईटी दफ्तर में फर्जीवाड़े का है, जिसमें लखनऊ पुलिस ने 8 लोगों को हालांकि हिरासत में ले लिया और महिला से भी अब पूछताछ की जा रही है।